वेलकम टू इजी जी के। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, तो ये 12th पास स्टूडेंटों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों 12th पास है, तो इस बारे में दोस्तों सारी चीजें इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या कैसा एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों, क्या फीस है, क्या कैसा अप्लाई करना है, आपको सारी बातें डिटेल में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल ना करिए, जिससे सारी चीजें आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझ में जाएंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा आप देख पा रहे होंगे, हम सारे किन टॉपिकों में बात करने वाले हैं दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2019-20 को लेकर। दोस्तों देखेंगे कि टाइप ऑफ पोस्ट क्या है दोस्तों, एज क्या, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, फी क्या है दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है टायर 1 टायर 2 टायर 3 के लिए, और डिटेल में सिलेबस की भी बात करेंगे, और नेगेटिव मार्किंग क्या कैसी है इस एग्जाम पैटर्न में, वो सारी बात करेंगे, और स्किल टेस्ट के बारे में स्पेशली दोस्तों इसमें जैसा कि टायर 2 और टायर 3 में सीपीसीटी वगैरह जो टेस्ट है वो सारी बात करेंगे, और कट ऑफ को लेकर भी, और सैलरी क्या कैसी है दोस्तों, और इंटरव्यू नहीं है जैसा कि वह भी आपको सारी चीज़ बताएंगे, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है। तो ये सारे पॉइंट को लेकर हम आगे बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए जरूर। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा आप ये नोटिस का पेज देख पा रहे होंगे दोस्तों, फर्स्ट जो पीडीएफ है उसमें नोटिस में दोस्तों जैसा लिखा है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10th प्लस 2 लेवल एग्जाम 2019 दोस्तों, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। जैसा फर्स्ट आपको डेट में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि 3/12/2019 से लेकर दोस्तों इसका जो फॉर्म है दोस्तों 3 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी 2020 तक के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसा एसएससी की साइड अक्सर देखा गई है कि साइड दोस्तों लास्ट टाइम पे दोस्तों एरर आने लगते हैं फॉर्म में, तो इसलिए आप फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। और ऑलरेडी एसएससी भी इस तरह के नोटिस देता है कि आप फॉर्म पहले से फिल कर दीजिए, और सारी यहाँ पर डेट लिखी दोस्तों। साथ ही आप देख पा रहे हैं लास्ट में भी यहाँ पर कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि आपका एग्जाम है दोस्तों वो 16 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में होगा। जैसे आजकल ऑनलाइन होने लगा दोस्तों एसएससी, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट होने के कारण एग्जाम डेट भी आपको दे दी गई है 16 मार्च से, और टायर 2 दोस्तों ऑलरेडी लिखा है कि 28 जून में होगा। तो ये सारी बातें थी, अब आइए आगे देख लेते हैं और अदर बातें इसको लेकर। तो दोस्तों ये पे स्केल है दोस्तों जो कि जो पोस्ट वाइज अलग अलग है कि जो एलडीसी दोस्तों और जेएसए दोस्तों जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो ये पे लेवल 2 दोस्तों 19,900 से लेकर 63,000 तक, और जो पोस्टल असिस्टेंट है और सॉर्टिंग असिस्टेंट दोस्तों उसका अलग है 25,500 से लेकर 81,000। तो ये सारा पे स्केल को लेकर बात की गई है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी पे स्केल दोस्तों इक्वल है दोस्तों पोस्टल असिस्टेंट के लेवल पर, और जो डेटा एंट्री का ग्रेड ए है दोस्तों उसके भी, तो सारे दोस्तों सेम है। तो ये भी आप देख लें, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मैन इंपॉर्टेंट एज लिमिट को लेकर, एज लिमिट में दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 18 से लेकर 27 ईयर्स तक, और जो एज ली जाएगी दोस्तों वो ली जाएगी 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग, और साथ ही यहाँ पर ये भी दे दिया है कि आपका जो दोस्तों बर्थ है वो दोस्तों लिखा हुआ ऑलरेडी कि 1993 से लेकर 2002 के बीच। तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही दोस्तों जो एज दोस्तों जो क्राइटेरिया जो आपको छूट दी जाती है दोस्तों वो भी कैटेगरी वाइज दिया है ऑलरेडी कि एसटीएससी जैसा हर एग्जाम में होता 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर, और बाकी सारे एज इट इज, तो ये भी आप दे सकते हैं। सारी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों नोटिफिकेशन को लेकर। जो इंपॉर्टेंट दोस्तों जैसा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर आप जैसा देख पा रहे होंगे, वो भी दोस्तों आपको 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग ही आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग माना जाएगा, जो 12th लेवल जो इसमें ऑलरेडी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों एलडीसी जेएसए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टल असिस्टेंट के लिए स्पेशली दोस्तों ओनली 12th पास इक्वल मतलब दोस्तों ऑल सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो 12th पास तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर डीईओ ग्रेड 1 जो स्पेशली 4th नंबर पर जो पोस्ट अभी अपन ने देखी, तो उसके लिए दोस्तों कंट्रोलर एवं ऑडिटर डिपार्टमेंट के लिए इसमें स्पेशली दोस्तों 12th पास में साइंस स्ट्रीम या मैथमेटिक्स स्ट्रीम के हैं अगर आप, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेशली क्वालिफिकेशन को लेकर, अदरवाइज जो बाकी सारी पोस्ट हैं उनमें आप ओनली 12th बेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस पर लिखा हुआ दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस को लेकर। तो फी दोस्तों जैसा कि 100 रुपीज फीस है, ज़्यादा एसएससी के फॉर्म महंगे नहीं होते, तो इसलिए आप फॉर्म जरूर डालिए दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं और एसएससी के स्पेशली तैयार करते हैं, तो 12th पास के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा ऑलरेडी लिखा हुआ कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दोस्तों आप भीम पे UPI नेट बैंकिंग जैसा भी आप चाहें उस माध्यम से कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों स्पेशली कि वुमेन्स कैंडिडेट और साथ ही दोस्तों SC ST के कैंडिडेट हैं और जो PWD स्पेशली फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए दोस्तों फीस रिलैक्सेशन है, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी।
तो ये फीस को लेकर थी दोस्तों, अदरवाइज 100 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी के लिए, तो उतनी ज़्यादा फीस एसएससी की नहीं होती। अब दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा मैंने ऑलरेडी फर्स्ट में बताया कि इसमें Tier 1, Tier 2 और Tier 3 भी होता है, जिसमें Tier 3 में दोस्तों स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है, और जो Tier 2 होता है दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इसका, और जो Tier 1 होगा दोस्तों उसका भी हम सिलेबस के भी बारे में बात करेंगे, Tier 1 आपका होगा ऑप्शनल होगा। तो ये सारी बातें आपको इसमें Tier 1, Tier 2 को लेकर दी गई हैं, और ऑलरेडी मैंने आपको डेट बता ही दिया फर्स्ट में ही कि डेट क्या है एग्जाम की। अब बात कर लेते हैं जो Tier 1 में दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जो 4 सेक्शन रहेंगे आप देख पा रहे होंगे, 4 सेक्शन में दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 और जनरल अवेयरनेस के दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ये 25 25 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, और जो 50 लिखा दोस्तों वो मार्क्स रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और जो टाइम रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका 1 आवर 60 मिनट। तो ये सारा दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न को लेकर है, तो ये भी आपने क्लियर कर लिया। अब आइए बात कर लेते हैं कि Tier 1 में दोस्तों कंसिस्टेंसी ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने आपको बताया कि Tier 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, फिर और हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों आप बोथ लैंग्वेज में रहेंगे, आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं साथ ही, और जो टायर आगे की भी पार्ट है उनके लिए भी आप हिंदी इंग्लिश प्रेफरेंस यहाँ से कर सकते हैं। स्पेशली दोस्तों नेगेटिव मार्किंग को लेकर, जैसा SSC में नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 0.5 है, तो उसके लिए दोस्तों अगर आप उसको देखें तो दोस्तों तो 1/2 नेगेटिव मार्किंग जैसा स्पेशली SSC में होती ही है, तो ये आप स्पेशली याद रखें। ये सारी बातें जो आपके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं लेकर दोस्तों नोटिफिकेशन लेकर सारी मैं समझाऊंगा, जिससे आप इजीली फॉर्म को आप इजीली समझ सकें। Tier 2 दोस्तों जैसा डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो इसमें भी दोस्तों 100 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 100 मार्क्स में दोस्तों इसमें स्पेशली लिखा हुआ है, जैसे सेकंड नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन Tier 2 वर्ड 33% है, तो आपको दोस्तों 33% मिनिमम क्वालिफिकेशन के यहाँ पर लाना ही पड़ेगा Tier 2 के लिए, और ये स्पेशली डिस्क्रिप्टिव होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है Tier 2 को लेकर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आप Tier 2 भी पास कर लेते हैं दोस्तों Tier 1 के पास Tier 2, तो आपका फिर जो Tier 3 है दोस्तों उसमें होगा स्किल टेस्ट, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्पेशली दोस्तों स्किल टेस्ट होता है, या फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि आपकी जो स्पीड है दोस्तों वो 8000 पर डिप्रेशन पर आवर है, तो दोस्तों 1 घंटे का तो आपका एग्जाम वहाँ होगा नहीं टाइपिंग का, 15 मिनट का ही होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड निकाल ली जाती है, बट ये अभी से इन्होंने क्राइटेरिया पहले से दे दिया जाता है कि क्या स्पीड चाहिए टाइपिंग में। तो ये टाइपिंग को लेकर बात थी, तो ये था दोस्तों सारा नोटिफिकेशन को लेकर बातें, तो आपको कैसा लगा दोस्तों इसे ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे उन्हें भी इस तरह के नोटिफिकेशन के बारे में पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।